तो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का मेरे इस नए वीडियो में। तो फ्रेंड्स, आप लोगों से बताना चाहूँगा मैं कि आज मैं आप लोगों के लिए लेके आऊँ एक बहुत ही बेहतरीन जॉब जो कि आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाली है और आपके करियर को ग्रोथ मिलेगी इस फील्ड में, जिस फील्ड के लिए मैं आपके लिए जॉब लेके आया हूँ। बिल्कुल सही सुन रहे हो, फील्ड है अगर हम बात करें तो डोमेस्टिक है या इंटरनेशनल है। तो डोमेस्टिक नहीं होने वाली है, ये इंटरनेशनल प्रोसेस होने वाला है। आप अगर फ्रेशर हैं तो भी आपके लिए जॉब है, अगर आप एक्सपीरियंस्ड हैं तो भी आपके लिए जॉब है। फ्रेंड्स, आपका भाई आपके लिए जॉब ऐसी ऐसी लेके आता रहता है। इसी चैनल पे अपलोड भी करता हूँ और व्लॉग्स भी मैं इसी चैनल पे अपलोड करता हूँ। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर दो और वीडियो को लाइक ज़रूर किया करो फ्रेंड्स। उससे तुम्हारा भाई थोड़ा सा मोटिवेट होता है कि चलो जो काम मैं कर रहा हूँ अच्छा कर रहा हूँ, आप लोगों को पसंद आ रहा है। इससे मुझे ये पता चलता है फ्रेंड्स, जाना कुछ नहीं है यार, बस एक लाइक ही तो करना है फ्रेंड्स, है ना। अगर आपको अच्छा लगता है तो फ्रेंड्स, अदरवाइज कोई बात नहीं है। चलो हम जल्दी से डिटेल की तरफ बढ़ते हैं। कंपनी में क्या रिक्वायरमेंट्स है, सैलरी क्या है, लोकेशन क्या होने वाली है, अप्लाई आप कैसे कर सकते हो, इसके अंदर जो फैसिलिटीज़ हैं वो क्या क्या हैं, क्या फैसिलिटीज़ हैं या नहीं है, सारी चीज़ें हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं फ्रेंड्स। तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें क्वालिफिकेशन की, क्या क्या रिक्वायरमेंट है, कितनी क्वालिफिकेशन रिक्वायरमेंट है, तो एनी ग्रेजुएट इसमें रिक्वायरमेंट है। आप कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपने BSc कर रखी है, BA कर रखी है या फिर BCom कर रखी है, BTech कर रखी है, इसमें कोई भी फर्क नहीं पड़ता, आप सिर्फ ग्रेजुएट होने चाहिए। और अगर हम बात करें प्रोफाइल की कि प्रोफाइल इसमें जॉब क्या होने वाली है, तो इसमें कस्टमर सर्विस एग्जीक्यूटिव की जो है वर्क होने वाला है, आपका जो प्रोफाइल होने वाला है, सर्विसेज देने का प्रोफाइल होने वाला है। जैसे कि मान लो किसी भी कोई भी प्रोफाइल होगी आपकी, एक कोई भी एक ब्रांड होगा, उससे रिलेटेड कोई भी इश्यूज होते हैं कस्टमर को, तो वो क्या करते हैं, कॉल करते हैं। जैसे कि आप भी कॉल करते हो, जैसे मान लो सैमसंग की कंपनी है, सैमसंग की कंपनी का आपने TV ले रखा है और वहाँ से आपको TV में कोई इश्यूज़ है, तो उसको टोल फ्री नंबर पर आप कॉल करके उसमें दिक्कत आ रही है, उसका क्या करते हो, आपके रेजोल्यूशन लेते हो। तो वही सेम आपको करना होगा। बस ये है ये कंपनी इंटरनेशनल होने वाली है, तो बाहर के जो ब्रांड्स होंगे टेक महिंद्रा कंपनी में, जी हाँ, कंपनी जो प्रोसेस होने वाला है वो टेक महिंद्रा कंपनी के बारे में हम बात कर रहे हैं आज। अगर हम नेक्स्ट अपडेट की तरफ अगर जाते हैं, तो सबसे पहले अगर हम सैलरी की बात करें कि सैलरी भी क्या है, सैलरी कितनी मिलेगी आपको, तो 20,000 रुपये से लेके 25,000 रुपये तक आपकी जो है एक सैलरी, फ्रेशर्स की बता रहा हूँ, अगर आपका इंटरव्यू अच्छा जाता है, सब चीज़ अच्छा होता है, आप सेलेक्ट हो जाते हो एज अ फ्रेशर, तो 20,000 से 25,000 रुपये की एक रेंज है, 3 LPA हो सकता है। सैलरी में कोई दिक्कत मत लो। सबसे पहले मैं ये बताना चाहूँगा, अगर जो भाई ज्वाइन करना चाहते हैं तो इंटरनेशनल प्रोसेस आप 6 महीना तक कैसे ना कैसे करके कर लो काम, क्योंकि 6 महीने के बाद आपको जब काम आ जाएगा ना, तो आपके लिए वो टफ काम नहीं रहेगा। टफ होती हैं इनबाउंड आउटबाउंड जो कॉल्स की होती है प्रोसेस, वॉइस प्रोसेस जो होती है वो थोड़ा सा टफ होती है, 1-2 महीना हमें झेलने में दिक्कत होती है, लेकिन जैसे जैसे आपको काम समझ में आने लगता है फ्रेंड्स, आपके लिए टाइम का पता नहीं चलता कि आपके 8 घंटे जो लॉगिन आवर्स हैं, 8 घंटे जो लॉगिन आवर्स हैं आपके, वो कब कंप्लीट हो जाते हैं आपको पता भी नहीं चलता है। बिल्कुल सही बता रहा हूँ, क्योंकि मैंने एक्सपीरियंस किया है, मैंने काम किया है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ फ्रेंड्स, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि इसमें जो स्किल्स हैं वो क्या क्या मांगी गई है। देखो सुनना, गुड कम्युनिकेशन हैंडलिंग स्किल्स, यानी कि गुड कम्युनिकेशन होनी चाहिए, हैंडलिंग यानी कि कस्टमर को हैंडल कैसे करते हैं उसकी जो एक स्किल्स होती है फ्रेंड्स, ठीक है, वो आपके अंदर जो है गुड होनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट, बेसिक कंप्यूटर नॉलेज भी आपको होना चाहिए फ्रेंड। गुड एनालिटिकल एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स, यानी कि वही है कि भाई प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे कर सकते हैं। देखो ये जो रिक्वायरमेंट्स हैं इसके अगेंस्ट में जब आप इंटरव्यू देने जा रहे हो HR के सामने, तो जो जो मैं आपको चीज़ें स्किल्स बता रहा हूँ उसको ध्यान से सुनो, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी बनेंगे आपके। HR आपसे जो जो ये क्वेश्चंस हैं, जो स्किल्स मांगी गई है रिक्वायरमेंट्स, उससे रिलेटेड क्वेश्चन ज़रूर आपसे पूछेगा, ठीक है। तो कोशिश करो कि जो जो मैं बोल रहा हूँ वो आपको रट्टा मार लो तोता की तरह, या फिर यूट्यूब पर देखो और उसके आंसर्स के रिजोल्यूशन प्राप्त करो, ठीक है। शुड बी फ्लेक्सीबल टू वर्क फ्रॉम ऑफिस वर्क, ठीक है, यानी कि मतलब कि इसमें जो रिक्वायरमेंट्स है कि ऑफिस से ही है, जैसे बहुत सारी जॉब्स होती है ना कि वर्क फ्रॉम होम मिल जाता है, तो इसमें नहीं है, वर्क फ्रॉम होम नहीं है, वर्क फ्रॉम ऑफिस ही है।
और यहाँ पे जाने के बाद आप ये ना कहो 1 महीने बाद 2 महीने बाद कि भाई मेरे को वर्क फ्रॉम होम करना है, क्योंकि इसमें वर्क फ्रॉम होम नहीं है। और अगर हम बात करें कि इसमें जैसे शिफ्ट्स होती है फ्रेंड्स, 3-4 शिफ्ट होती है, मॉर्निंग टू इवनिंग, इवनिंग टू नाइट, मिड नाइट, इस तरह के शिफ्ट होती हैं, तो इसमें आपको एज अ रिक्वायरमेंट, जैसा रिक्वायरमेंट होगा प्रोसेस को, उस हिसाब से आपको शिफ्ट दिया जाएगा। तो उसमें भी आपको फ्लेक्सिबिलिटी शो करनी पड़ेगी, यानी कि आपको ये कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए कि मिड नाइट वाला अगर शिफ्ट दे रहे हैं आपको तो आप उसमें कह रहे हो नहीं जी मैं मिड नाइट तो नहीं करूँगा, अगर डे वाली शिफ्ट दे रहे तो नहीं जी मैं तो रात को ही काम करता हूँ दिन में नहीं करता, या फिर ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। आपको जो उन सभी शिफ्ट दिया जा रहा है वो आपको उसे चुपचाप से एक्सेप्ट करना है कि हाँ चलो ठीक है मैं कर लूँगा। और फ्रेंड्स मैं बताना चाहूँगा, ये जो कंपनी है ये एकदम जैसे आप कहीं कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, इमीडिएट ज्वाइनर्स की रिक्वायरमेंट है, यानी कि आपने इंटरव्यू दिया आज, अगर आप सेलेक्ट हो गए तो तुरंत आपको रख लेंगे। देखो इसी को कहते हैं बल्क हायरिंग, जब कंपनी कहती है कि इमीडिएट ज्वाइनर्स चाहिए मुझे, तो वहाँ पे क्या है बल्क हायरिंग है, आपके अंदर अगर थोड़ी बहुत कमियाँ भी है ना तो वहाँ पे वो इग्नोर करके आपको हायर कर लेते हैं, ठीक है। और फ्रेंड्स बताना चाहूँगा यार कि इंटरनेशनल प्रोसेस की बहुत अच्छी, अगर आपको कोई बेस नहीं है, आपका कोई अलग वर्क नहीं है, आप चाहते हो कि भाई चलो MNC में जाना, तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी होती है, MNC में आओ, बढ़िया काम करो, बढ़िया पैसा कमाओ, अच्छी खासी भाई साहब इसमें इतनी सैलरी भी मिलती है जो नॉर्मल जगह आपको नहीं मिलेगी। और फ्रेंड्स इसमें जो स्किल्स में एक चीज़ और ऐड करी है कि देखो वर्बली एंड रिटन, जो कम्युनिकेशन स्किल्स है और रिटन में जो है ग्रामर, आपकी ग्रामेटिकल और वर्बली बहुत अच्छी होनी चाहिए, यानी कि थोड़ा बहुत लैग कर रहे हो आप या फिर कुछ भी XYZ वहाँ पर वो चीज़ नहीं चलेगा, आपको रिटन में भी आना चाहिए बढ़िया आपकी होनी चाहिए ग्रामर, और वर्बली तो आपकी होनी ही चाहिए। कि जैसे कि आपका जो रिज्यूमे है किस नंबर पे आपको शेयर करना है, वो नंबर मैं आपको डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगा, 2-3 नंबर है ठीक है, उस नंबर पे आप अपना रिज्यूमे शेयर कर देना। और फ्रेंड्स मैं बताना चाहूँगा कि ये जो इंटरव्यू चल रहे हैं, यानी कि जो हायरिंग चल रही है, इसकी जो ड्यूरेशन क्या है, कब से कब तक चल रही है, तो मैं बताना चाहूँगा। तो फ्रेंड्स मैं बता देता हूँ कि 26 अक्टूबर को तो स्टार्ट हो गई थी और 4 नवंबर तक है, यानी कि 26 अक्टूबर को स्टार्ट हो गई थी 4 नवंबर तक है, तो आप इस दिन के अंदर ही जाओ और इंटरव्यू दो। जो इंटरव्यू की टाइमिंग होने वाली है फ्रेंड्स वो 9 बजे सुबह से लेके दोपहर के 1 बजे तक है, यानी कि ये 9 बजे से 1 बजे तक की इंटरव्यू टाइमिंग है, इतने टाइम में आप वहाँ पर पहुँचो और इंटरव्यू दो। सैटरडे को इंटरव्यू नहीं होगा, मंडे को होगा, तो आप मंडे को जाओ और इंटरव्यू दो, ठीक है। और इंटरव्यू का जो लोकेशन है, क्या लोकेशन है, किस जगह पे इंटरव्यू चल रहे हैं, उसका जो एग्जैक्ट लोकेशन है वो भी मैं डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगा, तो वहाँ पे आप जाओ डिस्क्रिप्शन में चेक कर लो और उसी जगह लोकेशन पे गूगल मैप कर लो, अगर आपको पता है तो ठीक है, नहीं तो गूगल मैप कर लो और उस हिसाब से कंपनी का जो एड्रेस है वहाँ पे पहुँचो फ्रेंड्स और इंटरव्यू दो। आई होप आप सभी इंटरव्यू क्रैक करोगे और जितने मैंने क्वेश्चंस आपको बताए हैं, यानी कि स्किल्स जो बताई है, उसको प्रिपेयर जरूर कर लेना, क्योंकि उनमें से जरूर 110% क्वेश्चन तो आएंगे ही, उसमें से पूछेगा जरूर कोई सा ना कोई सा, और जब आप आंसर दो तो कोशिश ये करो कि थोड़ा बहुत ज़्यादा लेंदी ना हो आंसर, 4 लाइन की हो, दैट्स इट। ज़्यादा बड़ा करोगे तो उसमें से वो फिर अचार क्वेश्चन पे क्वेश्चन निकालता जाएगा, फिर वो आपको घुमाता है, देखता है कि भाई दिमाग आपका कहाँ तक चल सकता है, ठीक है। फ्रेंड्स आई होप आप सभी को ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर अच्छी लगी है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करो फ्रेंड्स, ठीक है। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद फ्रेंड्स, मिलते हैं हम जल्दी नेक्स्ट वीडियो में फ्रेंड्स, तब तक के लिए बाय, लव यू, टेक केयर। Yeah!